डिस्क्लेमर, ये वीडियो आप लोगों को अपनी पर्सनल जानकारी को इंटरनेट पे कैसे बचाए रखना है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। हम हर तरीके के गलत कृत्य का पुरजोर विरोध करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीज 8.0। दो पार्ट में वीडियो बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था यार, करीबन आधे घंटे का, तो इसके दो पार्ट करने पड़े। दूसरे पार्ट में मैंने VPN के बारे में बताया और सब चीज़ जो VPN से रिलेटेड होती है सब कुछ एक्सप्लेन किया है, पूरी गाइड बना के रख दी है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने VPN के अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप खुद को इंटरनेट पर छुपा सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आपको इंटरनेट पर ट्रैक किया जा सकता है, उन सब से रिलेटेड भी मैंने इस वीडियो में बात की है। दोस्तों, दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा और एंड प्ले कार्ड में आपको मिल जाएगा। आप कहीं से भी जाके उसको ईजिली देख सकते हैं, देखिएगा ज़रूर, मज़ा बहुत आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीज 8.0। मेरा पिछला वीडियो जो कि यूपी गवर्नमेंट की पॉर्न मॉनिटरिंग पॉलिसी के ऊपर था, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को इंटरनेट पे छुपा के, जी हाँ इंटरनेट पे छुपा के सेफली ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ऐसे ही कुछ लीगल मेथड्स के बारे में है, जी हाँ ऐसे कुछ लीगल मेथड्स के बारे में होगा जिनके थ्रू आप अपने आप को इंटरनेट पर छुपा के सेफली ब्राउजिंग कर सकते हैं। क्योंकि केवल गवर्नमेंट ही नहीं, ऐसी बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपका डेटा चाहिए होता है और आपको बिना बताए वो आपका डेटा आपसे ले भी लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, और ये चीज़ें होती कैसी हैं और इसका पर्पस क्या होता है, आप ये समझो ये पूरा वीडियो इन सभी चीज़ों के लिए आपके कंप्लीट गाइड होने वाला है। होपफुली इस वीडियो के बाद आप ऑलमोस्ट सेफली इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे और कोई भी आपसे आपका डेटा नहीं चुरा पाएगा। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है अक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं टेकीज 8.0। दोस्तों, आपको इंटरनेट पे ट्रैक करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 आमतौर पे यूज़ किए जाने वाले मेथड्स के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आता है मालवेयर। मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस मतलब खतरनाक या गड़बड़ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डिवाइस में अपने आप इंस्टॉल हो सकता है और इंस्टॉल होने के बाद आपका डेटा चोरी कर सकता है या कुछ और चीज़ आपके में डाउनलोड कर सकता है, वायरस ला सकता है। आमतौर पर ऐसे सॉफ्टवेयर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाते हैं या फिर पॉर्न वगैरह या ऐसी वेबसाइट जो आपको नहीं खोलनी चाहिए उनसे अपने आप आपके डिवाइस में आ जाते हैं। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आती हैं कुकीज़। कुकीज़ एक तरीके का सॉफ्टवेयर कोड होता है, आपने देखा होगा। जब भी आप कोई वेबसाइट आमतौर पे विज़िट करते हो तो उसमें कई बार आपसे परमिशन मांगता होगा कि कुकीज़ डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की परमिशन मांगता है। आप उसको इंस्टॉल करो ताकि आप वेबसाइट को और भी ज़्यादा अच्छे से विज़िट कर पाओ। तो इनका बस ये काम होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो वेबसाइट में दी होती हैं उनको चलाने के लिए कुकीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बिना कुकीज़ को इंस्टॉल किए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते। आमतौर पे कुकीज़ में कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजर्स वगैरह के लिए होते हैं या और वेबसाइट के अपने कुछ डेटा कलेक्शन के लिए होते हैं जिनके थ्रू आपको डिटेक्ट कर लिया जाता है, आपको ट्रैक कर लिया जाता है, आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, आप कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो वो पता चल जाएगा। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पता चल जाती हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है DPI। DPI की फुल फॉर्म होती है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है या नियम होता है या कोडिंग डिकोडिंग आप कह सकते हो, जिसके थ्रू अगर आपने VPN भी यूज़ किया हुआ है तो भी आपका ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिसका नेटवर्क आप चला रहे हो, जिसका इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, वो ईजीली आपका डेटा या आपकी एक्टिविटीज़, वेब एक्टिविटीज़ को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो पूरा पूरा कर ही पाए। ये एक तरीके से आपका VPN आपके डेटा को इंस्क्रिप्ट करता है, यानी एनक्रिप्टेड करता है, उस एनक्रिप्शन को ब्रेक करने का काम करता है। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो। दोस्तों, अब चौथे नंबर पे आता है डिजिटल फिंगरप्रिंट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ, बस इतना समझ लो जैसे हम कोई भी चीज़ छूते हैं तो उस पर हमारे फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। ये तो फिजिकल वर्ल्ड में होता है, वैसे डिजिटल वर्ल्ड में हम कोई भी चीज़ विजिट करते हैं
तो उस पर हमारी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है। आपने विजिट की, कोई भी ऐप आपने चलाया, तो उनके पास कोई ना कोई आपका इन्फॉर्मेशन का पार्ट रह जाता है। बेसिकली उसको ही डिजिटल फिंगरप्रिंट बोलते हैं, और उसके थ्रू आपको ट्रैक बैक किया जा सकता है, उल्टा चल के आपको पकड़ा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आईपी एड्रेस और डीएनएस लीक। आईपी एड्रेस जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, कोई भी कोरियर या पोस्ट आने के लिए आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, वैसे ही नेटवर्क में कोई भी पैकेट आने के लिए। नेटवर्क क्या होता है, आप जो भी डेटा यूज़ करते हो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं बिट्स के, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ऊपर ऊपर समझो। छोटे छोटे पैकेट होते हैं इन्फॉर्मेशन के, वो आपके फ़ोन में आते हैं, और आपको जो चीज़ ढूंढनी होती है वो आपके फ़ोन से सर्वर पे जाते हैं। तो सीधी बात है, इस काम के लिए कोई ना कोई एड्रेस तो चाहिए, तो वो आपका आईपी एड्रेस होता है। दोस्तों मैंने आईपी एड्रेस के बारे में तो आपको बता दिया, अब आईपी एड्रेस जैसी एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे आईपी एड्रेस आपका पर्सनल होता है, वैसे ही डीएनएस आके नेटवर्क का होता है, या आपके नेटवर्क का नाम होता है, नेटवर्क का एड्रेस होता है। अब दोस्तों आखिर में बात करेंगे डॉक्सिंग की। डॉक्सिंग कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ध्यान देने वाली चीज़ है। डॉक्सिंग में कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उठा के सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल देता है। जैसे आपका फ़ोन नंबर लिया, ट्विटर पे डाल दिया, आपका एड्रेस लिया, ट्विटर पे डाल दिया, या किसी और सोशल मीडिया साइट पे डाल दिया, मतलब आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपको हार्म किया जा सकता है। ऐसी किसी भी डिटेल को अगर कोई व्यक्ति उठा के सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल देता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है, ताकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, सबके पास आराम से पहुंच जाए, और उससे इजीली आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपको हार्म पहुंचाया जा सकता है, इस चीज़ को डॉक्सिंग बोलते हैं। और ये स्ट्रिक्टली इलीगल है, बहुत ज़्यादा गलत है। आजकल आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते होंगे, कोई किसी का नंबर उठा के डाल दे रहा है, कोई किसी के घर वालों का फ़ोटो उठा के डाल दे रहा है पब्लिक डोमेन में, है ना। आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, बहुत सारे लोगों के साथ आजकल ऐसा हो रहा है। क्या वो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हमारा काम है टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना। सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस की। पुलिस आपको बिना किसी लीगल परमिशन के, कोर्ट की, जी हाँ कोर्ट की परमिशन, बिना कोर्ट की परमिशन के आपको किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकती, आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं गैदर कर सकती। आपने जो क्राइम बेस्ड शोज आते हैं आप देखते होंगे, तो उसमें भी जब पुलिस किसी का रिकॉर्ड निकलवाती है, खासतौर पर जब लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो भी बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं होता है। इवन कोर्ट की परमिशन के बिना आपने सीआईडी में देखा होगा कि वो गेट तोड़ के घुस जाते हैं, आप गेट तोड़ के भी किसी के यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते, उसके लिए भी आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है। चाहे घर खंडहर ही क्यों ना पड़ा हो, आपको एंट्री की परमिशन नहीं होती है, आप किसी की पर्सनल स्पेस में ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे यूपी में अभी कानून आया उत्तर प्रदेश में कि जो भी आपकी पॉन सर्च हिस्ट्री है उसको पुलिस ट्रैक करेगी, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से, और उसी पे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने ये अलग से वीडियो ये भी बना दी। तो वो एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन है, अदरवाइज पुलिस के पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता। अब जब पुलिस की बात कर रहा हूँ तो उनके तरीके के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ। अगर पुलिस को आपको ट्रैक करना है, या किसी भी लीगल सिक्योरिटी सर्विस को आपको ट्रैक करना है, तो उसे पहले कोर्ट से परमिशन चाहिए। परमिशन लेने के बाद वो पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं आपके, यानी नेटवर्क के पास जाते हैं कि भैया इस आदमी पे हमें डाउट है, इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, आप ये हमें निकाल के दे दो। अभी पुलिस के बाद आते हैं एडवर्टाइजर्स वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह जिनको आप यूज़ करते हो। अभी जैसा मैंने बताया कि वो आपसे कुकीज़ इंस्टॉल कराते हैं, या उनके पास अगर आपका कोई डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, डिजिटल फिंगरप्रिंट इन द सेंस कि आपका फ़ोन नंबर हो गया, या आपका एड्रेस हो गया, आपने किसी वेबसाइट पर डाला, खासतौर पर शॉपिंग वेबसाइट पर, जैसे लोग अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं या और ऐसी वेबसाइट्स पे डाल देते हैं। आजकल तो इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत चल रहा है, म्यूचुअल फंड वगैरह की साइट्स होती हैं, उन पर अगर कोई डिटेल डाल देते हैं, आप चाहे आधे में छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आप खाली अपना ईमेल आईडी और नाम डाल के छोड़ दो, आप देखो आपका पूरा का पूरा मेल बॉक्स एडवर्टाइजमेंट वाले मेल से भर जाएगा, ऐड से भर जाएगा कि भैया हमारा ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो ये जो होता है ये डिजिटल फिंगरप्रिंट के थ्रू ही होता है, वो आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट हो गया।
आप पे हमने एक मार्क छोड़ती है जिसके थ्रू आपको ट्रैक बैक किया जा रहा है और आपको एड्स दिखाए जाते हैं। ऐसी ही चीज़ कुकीज़ वगैरह करती हैं, जैसे कुकीज़ इंस्टॉल हो गई आपके ब्राउज़र में, कुकीज़ ब्राउज़र में इंस्टॉल होती हैं। जी हाँ, ब्राउज़र में इंस्टॉल होती हैं। आप कैसे उनसे बचना वो मैं बताऊँगा। कुकीज़ वगैरह जब ब्राउज़र में इंस्टॉल होती हैं, चाहे कोई भी डिवाइस हो आपकी, तो वो जो भी डिटेल लेने का उसमें कोड लिखा होगा, चाहे आपका लोकेशन हो, चाहे आपका फ़ोन किस ब्रांड का है, या फ़ोन यूज़ कर रहे हो या पीसी यूज़ कर रहे हो, इस तरीके का कुछ भी उसमें कोड होगा तो वो जानकारी उनके पास चली जाती है। अब भैया लीगल सर्विसेज हो गई, वेबसाइट्स हो गई, उसके अलावा जो आपके ऐप्स होते हैं, जी हाँ, एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया है ना, या और इस तरीके के ऐप्स हो गए, इनके पास भी कुछ डेटा का एक्सेस होता है। आप खुद देते हैं, परमिशंस मांगते हैं ना, एक्सेस टू दिस है ना, और कुछ उनका अपना भी सॉफ्टवेयर जो रिटर्न होता है वो बहुत सारा डेटा परमिशंस लेता है, फिर वो भी उस चीज़ को इसी तरीके से इस्तेमाल करता है। और ये पूरी लीगल चीज़ है, क्योंकि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है, आप खुद करते हो, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, खुद उस चीज़ को करते हो, तो उनके पास पूरा राइट आ जाता है। हम लोग करते हैं पूरा वो एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक लंबा चौड़ा हुआ आता है, हम स्क्रॉल करते जाते नीचे जाते हैं, फिर आई एग्री या आई एक्सेप्ट लिखा आता है। जब हम उसको परमिशन खुद से दे रहे हैं कि भाई हाँ मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम मेरा डेटा ले सकते हो, आप उसको किसी भी तरीके से चैलेंज फिर नहीं कर सकते, उसने आपसे परमिशन ली है तभी वो ले रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस सारी ट्रैकिंग से बचने के क्या क्या उपाय हैं। VPN के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा देर में बताऊंगा, पहले और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल की बात है। सबसे पहले आता है कि आप इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, इनकॉग्निटो मोड एक ऐसा मोड होता है चश्मे वाला, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, जिसमें मैंने UP पुलिस की इस नई पॉलिसी के बारे में बताया था, फोन ट्रैकिंग वाली। तो इनकॉग्निटो मोड में जो भी डेटा स्टोर होता है, चाहे वो आपकी सर्च हिस्ट्री हो, चाहे वेब हिस्ट्री हो, या कुछ भी हो, कुकीज़ वगैरह हो, कुकीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, वो सिर्फ तभी तक रहती हैं जब तक आपका ब्राउज़र ओपन होता है, आपका सेशन चल रहा होता है। एक बार आपने ब्राउज़र को बंद कर दिया, पेज को बंद कर दिया, तो आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लोग आमतौर पर हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आमतौर पर आ जाती है कि उन्हें फिर ये चीज़ें बार बार खोलने में दिक्कत होती है। दोस्तों इनकॉग्निटो मोड सिर्फ एक या दो वेबसाइट्स के लिए, चलो यूज़ करने के लिए समझ में आता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली एनोनिमसली सर्च करना चाहते हैं, तो अगर आपके गुर्दों में दम है, अगर आप थोड़े हिम्मत वाले आदमी हैं, तो आप टॉर ब्राउज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इंटरनेट पे गलत गतिविधियाँ जो होती हैं वो टॉर ब्राउज़र के थ्रू यूज़ की जाती हैं। हालांकि टॉर ब्राउज़र लीगल है, बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन आमतौर पर डार्क वेब वगैरह टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही ब्राउज़ किए जाते हैं, तो इनमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप एक रेगुलर यूज़र हो टॉर के, तो आप इजीली सस्पिशियस लिस्ट में आ सकते हो किसी भी लीगल सर्विस को। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ये एक एज अ सिक्योरिटी मेजर अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है डक डक गो सर्च इंजन। चलो मैंने एक पेज खोलने का तरीका बता दिया, एक ब्राउज़र बता दिया, चलो ब्राउज़र हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल सा लगे, लेकिन सर्च इंजन का क्या? क्योंकि गूगल तो बना ही डेटा चुराने के लिए, गूगल की जितनी प्रोडक्ट हैं वो तो आपको समझ लो वो बाल की खाल तक नोच के निकाल लेते हैं डेटा के नाम पे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप डक डक गो ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में नाम लिया था, मैंने किसी और वजह से लिया था, तो लोग कहेंगे मैंने पिछली वीडियो में डक डक गो का नाम लिया, लेकिन मैंने किसी और वजह से लिया था, यहाँ मैं बता रहा हूँ। अभी पूरी डिटेल बताएंगे जब VPN की बात करूँगा, तो मैं बताऊँगा। डक डक गो ब्राउज़र होता है वो बना ही इसलिए है कि वो आपका कोई भी डेटा ना ले, टोटल एनोनिमसली आप यूज़ कर सकते हो, उस पर सर्च कर सकते हो। आजकल गूगल का बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर ये बना हुआ है और काफ़ी फेमस हो रहा है, ख़ासतौर पर लोग जो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ डेटा उनका लीक हो, कोई ऐड वगैरह ना आए उनके पास ज़्यादा, तो बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए लोग आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक थोड़ा कम फेमस तरीका आपको बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं, अच्छा थोड़ा सिरदर्दी का भी है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ा सिरदर्दी का भी है और थोड़ा कम फेमस है, इसको बोलते हैं टेल OS, टेल OS यानी टेल ऑपरेटिंग सिस्टम।
आमतौर में हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं, लेकिन टेल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सिक्योरिटी सर्विसेज वाले या जर्नलिस्ट वगैरह करते हैं। ये OS जो होता है आपका हार्ड डिस्क में इंस्टॉल ना होकर रैम में इंस्टॉल होता है, और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। आप समझो कि इसमें जो भी हो रहा है वो बस एक बार इंस्टॉल करने के बाद जो हो रहा है वो हो रहा है। आपने जहाँ इसको रीस्टार्ट मार दिया इसका सब कुछ फिनिश हो जाता है, सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों इस टाइप के प्रोफेशंस के अंदर फेमस है। सीधी बात है, आपने इसको इंस्टॉल किया, काम किया, फिर जैसे ही रीस्टार्ट हुआ सब कुछ ख़त्म, कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। तो ये इसकी अपने आप में स्पेशलिटी है, लेकिन ये बड़ा सरदर्दी वाली चीज़ इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इसको इंस्टॉल करो, दूसरी बात ये बार बार आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा टेक्निकलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ये हर आदमी नहीं चल सकता। इसलिए थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में पहले से, ट्रेंड आदमी के पर्पज़ का है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, ये रिकरिंग यूज़ के लिए नहीं हो सकता। जहाँ आपने एक बार रिस्टार्ट करके ओपन किया कंप्यूटर अपना या कोई भी डिवाइस आपने ओपन किया, वही डिवाइस फ्लैश हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। असल जो पूरा का पूरा OS सेल्फ डिलीट हो जाता है।